हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज है बिगेस्ट डे ऑफ द ईयर महाशिवरात्रि। ये ब्लॉग में जाएगा बाद में, मत कहना मेरे को, ठीक है? शक्ल देखना गाइस इसकी। तो गाइस सबसे पहले मैं जा रहा हूँ मंदिर, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। मंदिर जाने से पहले मैंने अपना रुद्राक्ष क्लेंज करने को रखा था, जो कि वेट अ सेकंड, रुद्राक्ष जो मैंने पहना है, मेरे को पहने लगभग 2 साल 1.5 साल हो गया है, और रुद्राक्ष को हर 6 महीने बाद क्लेंज करना पड़ता है। तो मैंने क्लेंज करने को रखा था, पहले उसको 24 घंटे घी में रखा, उसके बाद घी में रखने के बाद मैंने हम दूध में रखा है। अभी दूध में से निकाल के गंगा जल से धो के विभूति लगा के उसको धारण करूँगा। पहले मंदिर हो आता हूँ, फिर चलता हूँ मंदिर से। हाँ, विभूति भी लानी है तो इसलिए मेरे को मंदिर। लेट्स गो। ये थोड़ा सा गंगा जल और ये कच्चा दूध। गाइस मैं मंदिर से होके आ गया हूँ, तो भी मेरे को अपना रुद्राक्ष धारण करना जो मैंने क्लेंस करने को रखा था। विभूति मैं ले आया हूँ मंदिर से। यह है वो रुद्राक्ष, पहले मैंने इसको एक दिन मतलब कि 24 घंटा पूरे घी में रखा था, फिर घी के बाद कच्चे दूध में। अब इसको धो के मैं धारण करूँगा। सो दिस इज द रुद्राक्ष एंड दिस इज विभूति। मैंने ये वाला रुद्राक्ष सिल्वर की चेन में बना के, पेंडेंट बना के पहना था, पर वो चेन की जो कुंडी है ना साइड से, वो टूट गई। वो लकीली कल ही टूटी है, तो कल नहीं मतलब कि 2-3 दिन पहले टूटी है, थोड़े दिन पहले। तो मेरे को टाइम नहीं मिला बाजार जाने का उसे ठीक करवाने का, बट कोई बात नहीं। जो इसके साथ नेचुरली काला धागा आया था वो तो मैंने पहना ही नहीं, एक कलाई पे पहनने के लिए आया था, और एक रुद्राक्ष की माला के बीच में से रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए काला धागा आया था। रखा था कहाँ गया? हाँ ये रहा। Yeah, इसमें एक और रुद्राक्ष है जो मैंने पहना नहीं है, ना किसी को गिफ्ट किया है। बिकॉज मैंने 3 लोगों को रुद्राक्ष गिफ्ट किया, वो भी 3 लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, पर उन्होंने धारण नहीं किया। कहीं पूजा रूम में रख दिया, कहीं किसी को दे दिया, कहीं कुछ किया। तो मेरा अभी मन ही नहीं करता किसी को गिफ्ट देने का। इसमें एक और रुद्राक्ष है, अगर किसी को चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में, आसपास वालों को या किसी और को भी, अगर मेरे किसी और सब्सक्राइबर को भी मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक, ये देखना मैंने अभी तक रखे हैं, ये आदि योगी जी की फोटो, ये धागा, ये है रुद्राक्ष, एकदम प्योर ब्रीड है अभी तक ये। ये है काला धागा। तो अभी हम इसी धागे में पहन लेंगे रुद्राक्ष की माला। तो गाइस अभी मैं थोड़ी सी महाशिवरात्रि की जो भी थोड़ी बहुत पूजा है वो करूँगा। तो गाइस आज मेरा उपवास भी है एज यूजुअली। महाशिवरात्रि के दिन उपवास में कुछ ऐसा, लोग कहते हैं ना आलू बना के खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कुछ नहीं रहता। महाशिवरात्रि में हमें अल्प भोजन करना होता है, अल्पहारी बन के रहना होता है, जैसे लाइट वेट फूड खाना होता है। जैसे फूड तो खा नहीं सकते, जैसे फ्रूट्स हो गए, थोड़ा बहुत पानी, दैट्स इट। गाइस देखते हैं अभी हमारा प्लान बन रहा है शिवालय जाने का, शिव मंदिर जाने का। लेट्स सी क्या प्लान बनता है शिवालय मंदिर जाने का। थोड़ा बहुत प्लान तो बन रहा है, मेरे को अभी कॉल आया था विक्रम का। देखते हैं, मिलता हूँ आपको जो भी कुछ होगा अपडेट करता हूँ। तो गाइस हम चारे निकल पड़े, मैं कन्हैया, अंशुर, विक्की और विक्रम। तो गाइस हम मंदिर परिसर में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, पर रास्ता चेक कर रहे हैं, जो रास्ते से हमें निकाल रहे हैं ये व्यू मस्त आ रहा भाई, साइड साइड से सरो दे फुल। हां 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 केरा गाना ही हो नहीं, तेनु से लो रंग सोना लगा था फुल सर सोदे संग दी वीरे। सही है सही है, पहुंच पार्किंग में पहुंच गए हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, आप मानोगे ब्लॉगिंग करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। जैसी तो गाइज दर्शन तो दूर की बात है, हमने बार बार से दर्शन कर लिया है, पूरा मेला घूम लिया है,
दर्शन तो दूर की बात है, यहाँ पे खड़े होने का टाइम ही नहीं है, टाइम बोल रहा हूँ, जगह ही नहीं है खड़े होने की। तो अभी हम जा रहे हैं घर, बाकी की कहानी में घर जाके बताता हूँ। गाइस हम कारगर मंदिर से, शिव मंदिर से आ गए हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी तो इधर आ गई हमारे पास। तो मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहां पे व्लॉगिंग करना क्या भाई, व्लॉगिंग तो दूर की बात, नजरें नहीं खुली जा रही, आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी धूल मिट्टी धक्का मुक्की। रात को जो महाशिवरात्रि की चारों पहरों की रुद्राभिषेक की जो पूजा थी, मैं भी उसमें उस पूजा में बैठने लगा हूँ, पूजा करने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे को जाना है सामान लेने, तो मैं चला हूँ बाजार और मैं आपको मिलता हूँ सामान लेने के बाद। गाइज एज यू नो, हाउ डू यू नो, एज यूजुअली गेस व्हाट, दिवाली हो, अगर हम बात करें न्यू ईयर की, अगर हम बात करें लोहड़ी की और इवन महाशिवरात्रि की, कोई भी फेस्टिव सीजन आ जाए, मेरे को बुखार चढ़ना ज़रूरी हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है 2-3 साल से तो मेरे को बुखार चढ़ गया है। बुखार तो मेरे को सुबह से था बट मैंने ब्लॉग में मेंशन नहीं किया बिकॉज आई डोंट वांट टू स्प्रेड नेगेटिव वाइब इन माय ब्लॉग की, ओ कि मुझे बुखार आई है वो है। तो अभी पूजा होने लगी है, देखा मेरा मुँह भी कितना छोटा गया है, एकदम आँखें नीचे चली गई बुखार से, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो अभी मंदिर में पूजा स्टार्ट होने वाली है, 8:30 हो गए हैं तो मैं होने लगा हूँ तैयार, लेट्स गो। मुंह धो के मैं रेडी हो गया हूँ।